अब खबर मैहर से। जी हाँ, मैहर विधानसभा से विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी खुद की पार्टी गठित कर प्रदेश की 30 से 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी नाम से पार्टी का गठन किया है, जिसका चुनाव चिन्ह गन्ना किसान है। भोपाल में नारायण त्रिपाठी ने पार्टी की गतिविधियों के बारे में हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल से बातचीत की है। बीजेपी के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी का गठन कर दिया है और वह अब चुनाव भी लड़वाएंगे। हमारे साथ हैं नारायण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, पार्टी का गठन हो गया, सैंबल मिल गया, अब क्या योजना है? अब योजना बताने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। हम शहडोल और रीवा संभाग की 30 सीटों पर, पन्ना छतरपुर की सीटों पर, भोपाल की 5 सीट पर, इंदौर की 3 सीट पर विंध्य जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ाएंगे। हम लोग जनता के बीच में गए, जन आंदोलन खड़ा किए। जरूरत है कि जो हमारे साथ छल कपट धोखा हुआ है उससे हमें मुक्ति मिले, हमारे बाल बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, हमारे इलाके के लोगों को बेहतर दवाई हो सके। तो इन सब मुद्दों को लेकर, डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर विंध्य का पुनर्निर्माण हो, इसलिए ये अभियान चलाए हम। और ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक विंध्य का पुनर्निर्माण न हो। ने कहा छल कपट हुआ विंध्य के लोगों के साथ, आपके साथ, बीजेपी ने क्यों टिकट नहीं दिया आपको? टिकट हम लिए नहीं बीजेपी से, हम बहुत पहले बता चुके थे कि 2023 तक मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ूंगा। देने न देने कोई बातें नहीं था, देना न देना दोनों के, एक तो बातचीत पर निर्भर होता है, एक तो स्वभाव पर निर्भर होता है, एक तो मेल मिलाप पर होता है। हमारे मुद्दे उनको सूट नहीं किए, उनके मुद्दे हमें सूट नहीं किए, इसलिए ना हम लेने का प्रयास किए, लेने का प्रयास नहीं किए। मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उनको भी बता दिए थे कि आप किसी को टिकट दे दीजिए, तब हम मुलाकात करेंगे, हमको टिकट, आपकी टिकट सुना नहीं लगना। कांग्रेस से बात चल रही थी, फिर अंतिम समय में छोड़ के विंध्य का मुद्दा सूट नहीं किया, विंध्य का मुद्दा नहीं लेना चाहते थे, जबकि उन्हीं के जमाने प्रस्ताव संकल्प पारित होके गया, संकल्प पारित हुआ था, तो नहीं ले पाए। तो इसलिए तो अपील करते हैं समस्त विंध्यवासियों से कि जो विंध्य का मुद्दा नहीं ले रहा उसका बहिष्कार करें। तो जो विंध्य का मुद्दा नहीं ले रहा उसका बहिष्कार करें, साफ तौर पर नारायण त्रिपाठी अपने जो तेवर हैं वो तल्ख करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब विंध्य जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी घोषणा 27 तारीख को की जाएगी। सनी झा के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।